आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर सीरियल अनुपमा की कहानी में इन दिनों धमाकेदार ट्विस्ट आया है। पिछले कुछ समय से सीरियल की कहानी 20 लाख रुपए के टैक्स को भरने के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ऐसे में मेकर्स ने शो की कहानी में नया ट्विस्ट लाने की कोशिश की है। अनुपमा के पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि किंजल का बॉस ढोलकिया उसे ऑफिस में अकेला पाकर बेकाबू हो जाता है। ढोलकिया किंजल से कहता है कि उसे ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। इसी के साथ वो किंजल के करीब आने की कोशिश भी करता है। किंजल शुरू में ये बात घर वालों को नहीं बताती है, लेकिन अनुपमा को भनक लग जाती है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत तो जरूर हुआ है। किंजल अपनी नौकरी छोड़ देती है और वो अनुपमा को सारी सच्चाई बता देती है। अनुपमा के बाद सभी घर वालों को भी ढोलकिया का असली रूप समझ आ जाता है और वनराज तो डंडे से उसकी पिटाई करने के लिए घर से निकलने भी लगता है। अनुपमा उसे रोकती है और सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि आखिर ढोलकिया को किस तरह से सबक सिखाना है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किंजल ढोलकिया के पास माफी मांगने आएंगी। किंजल ढोलकिया से कहेंगी कि वो उसे नौकरी से ना निकाले। किंजल की बातों को सुनकर ढोलकिया की आंखें ही चमक जाती है। ढोलकिया किंजल से कहेगा कि उसे खुशी हुई कि वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के साथ वो किंजल से कहेगा कि वो रात में उसके साथ एक क्लब में चले और पूरी रात उसके साथ ही रहे। ढोलकिया की बातों को सुनकर किंजल परेशान हो जाएगी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करेंगी। ढोलकिया किंजल से ये भी कहेगा कि ऑफिस के सिलसिले में उसे कई बार ट्रिप पर भी जाना हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज़।